नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास रिपोर्ट का। झारखंड में पहले चरण के 43 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया सामान्य रही और कुछ छोटी मोटी घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो बड़ी परेशानी का सामना झारखंड मतदान में पहले चरण में नहीं देखने को मिला। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर मतदान के बाद क्या? 2024 के चुनाव में 2019 के मुकाबले इस बार वोटिंग प्रतिशत झारखंड में बढ़ा है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सत्ता की लड़ाई काफी ज्यादा कड़ी हो सकती है। कैसे, चलिए बता देते हैं। दरअसल जब झारखंड में मतदान हुए उसके बाद कई कयास अब पहले चरण के बाद ही लगाए जाने लगे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार पहले चरण में तकरीबन 66% से ज्यादा मतदान हुआ है, जबकि 2019 में यह आंकड़ा केवल 65% ही था, बल्कि उससे भी थोड़ा कम था। इस बढ़ी हुई वोटिंग को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इसका एक कारण मैया सम्मान योजना और गोगो दीदी योजना हो सकती है। इन दोनों योजनाओं का लाभ खासकर महिलाओं को हुआ, जिससे इंडिया गठबंधन को फायदा हो सकता है। वहीं बीजेपी को गोगो दीदी योजना को भी कुछ समर्थन मिला है। ग्रामीण इलाकों में मतदान का उत्साह शहरी इलाकों के मुकाबले कई ज्यादा देखने को मिला। कोल्हान उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर जैसे कई जगह दूर दराज के गांव स्थित, वहां ज्यादा मतदान हुआ है। वहीं रांची और जमशेदपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में वोटिंग कम रही, जो कि चुनावी परिणामों पर असर डाल सकता है। पहले चरण में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 36 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि जेएमएम ने 23 और कांग्रेस ने 17 और आरजेडी के 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के सहयोगी पार्टियों में आजसू ने 4, जेडीयू ने 2, लोजपा आर के 1 उम्मीदवार ने अपनी किस्मत आजमाई है। इस चरण में कुछ अहम मुकाबले भी हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को सरायकेला सीट पर अपने पुराने प्रतिद्वंदी गणेश महाली से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका सीट से, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जगन्नाथपुर सीट से और रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उराव, मिथिलेश ठाकुर और सत्यानंद भोक्ता को भी अपनी सीटों पर कड़ी चुनौती मिल रही है। इन सभी मंत्रियों को एनडीए और अन्य विपक्षी दलों से कठिन मुकाबला का सामना करना पड़ रहा है। पहले चरण की बात करें तो मतदान के बाद अब राजनीतिक दलों की नजरें 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है। चुनाव परिणाम ये तय करेंगे कि झारखंड में किस गठबंधन की सरकार बनेगी। यानी अब मतदान हो चुका है, टक्कर किसके बीच है इसका फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। लेकिन झारखंड का जो पहला चरण है वो ये बताने के लिए काफी है कि इस बार टक्कर जो है वो काफी कांटे की टक्कर है। लेकिन इस टक्कर में जीत किसकी हुई है ये वक्त तय करेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।